13 फरवरी एक बार फिर से किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन बन गया। किसान आंदोलन के चलते सभी बॉर्डर सील कर दिए गए। पंजाब, हरियाणा और यूपी से किसान दिल्ली आने लगे हैं। इसकी वजह से दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं पर ट्रैफिक जाम लग गया है। वहीं दिल्ली के चारों बॉर्डर टीकरी, सिंघू, गाजीपुर और शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया। शंभू बॉर्डर पर तो किसान और जवान आमने सामने भी आ गए। इन सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसान दिल्ली में एंट्री ना कर सके। तो आइए जानते हैं इन चारों बॉर्डर्स के बारे में। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर की बात करते हैं। सिंघू एक गांव का नाम है जो उत्तर पश्चिम दिल्ली के हिस्से में है। ये बॉर्डर उत्तर पश्चिमी दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है। हर रोज लोग बड़ी संख्या में दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली इस बॉर्डर के जरिए सफर करते हैं। इसके सील होने के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टीकरी बॉर्डर दिल्ली को हरियाणा के बहादुरगढ़ से जोड़ता है। ये बॉर्डर दिल्ली रोहतक रोड पर स्थित है, नेशनल हाईवे 10। किसान आंदोलन को देखते हुए इस बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली का एक प्रमुख बॉर्डर है। ये गाजियाबाद क्षेत्र के पास स्थित है। गाजीपुर पूर्वी दिल्ली जिले का एक गांव है और शहर के सबसे बड़े गाँव में से एक है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा को गाजीपुर बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। ये बॉर्डर हसनपुर गांव 800 मीटर, कल्याणपुरी 2 किलोमीटर, आनंद विहार 2 किलोमीटर, निर्माण विहार 3 किलोमीटर, सूरजमल विहार 4 किलोमीटर, परपरगंज 4 किलोमीटर को जोड़ता है। यहां पर भी बैरिकेटिंग्स लगी हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर कुछ अधिकारी भी पहुंचे, वो भी लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि किसानों की वजह से। देखिए, आज दिनांक 13 फरवरी को किसानों ने ये ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इसी सूचना के आधार पे गाजियाबाद पुलिस की तरफ से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे पूरी तरीके से पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसमें लोकल पुलिस, मुख्यालय से मिली हुई QRTs और PAC ये तैनात की गई है यहाँ पे। इनको जो जो मेन पॉइंट्स है वहाँ पे तैनात कर दिया गया है। ये पूरा जो गाजीपुर बॉर्डर का और यूपी गेट का एरिया है, इस पे ड्रोन से निगरानी रखी गई है और किसी भी तरह के कोई भी अलर्ट के लिए पुलिस पूरी तैयार है, ताकि किसान जो दिल्ली कुछ करने की बात कर रहे हैं वो यहाँ आकर उन्हें रोका जा सके, वो दिल्ली में एंटर ना कर पाए। क्योंकि दिल्ली अगर एंटर होता है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। पूरे कंट्रोल किया हुआ है। फिलहाल अगर तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह बैरिकेटिंग्स की गई है। साथ ही साथ कुछ और तरीके से भी किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बल पूरी तरह से तैनात यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ अधिकारियों को साफ तौर पर कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर पर तो फिलहाल हालात जो है सामान्य है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर हालात सुबह से ही काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर गाजीपुर बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के भी कई किसान जो है एक बार फिर से गाजीपुर आ सकते हैं। शंभू बॉर्डर, शंभू पंजाब राज्य के पटियाला जिले में आता है। हरियाणा की सीमा के पास एक गांव है। ये बॉर्डर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को आपस में जोड़ता है। बता दें कि हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हालात बेकाबू हैं। किसान लगातार दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हुए हैं, तो हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने के लिए लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही है। दिल्ली में घुसने की जिद पर अड़े किसान सीमेंट बैरिकेटिंग को ट्रैक्टर से हटाने की कोशिश भी करते हुए नजर आए। दिल्ली में किसान आंदोलन 2.0 शुरू हो चुका है। गाजीपुर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर शंभू बॉर्डर हो, यहाँ पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं। दिल्ली में घुसने के लिए अड़े किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने सभी सीमाएं सील कर दी हैं। किसान आंदोलन का पैटर्न 2020-21 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए इस आंदोलन को किसान आंदोलन 2.0 कहा जा रहा है। पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स पर धरना दे रहा है। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन मिलता नहीं नजर आ रहा है। ये किसान आंदोलन सिर्फ किसान मोर्चे के बैनर तले नहीं हो रहा है, इसे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं।